असलामुअलैकुम नाज़रीन, आज आपको मैं अरबी गोश्त बनाने का तरीका बताने चलने लगी हूँ। उसके लिए मैंने गोश्त लिया है 1 किलो, अरबी ली है 1 पाव, और प्याज 2 प्याज आपके सामने पड़े हैं, अदरक लिया है, लहसुन, टमाटर, सुरख मिर्च 1.5 चम्मच, नमक का 1/2 चम्मच, हल्दी का 1/2 चम्मच, और चंद हरी मिर्चें। ये मैंने अरबी छील ली है। मेरा अरबी बनाने का तरीका कार क्या है, ये देखें, मैं इसको एक तो छोटे पीस करती हूँ और इसको इस तरह टक लगाती रहती हूँ ताकि मसाला इसके अंदर चला जाए। ये देखें, मैं जब भी अरबी बनाती हूँ तो अरबी बनाने का मेरा ये तरीका है, इसको ज़रूर टक लगा देते, चौके जिसको कहते हैं ना, तो जैसे गोश्त को लगाते हैं रोस्ट वाले को, इस तरह इसको लगा के फिर इसको मैं घी में भून लूँ। इसके पीस छोटे कर लेती और इसको लगाती। लहसुन अदरक का पेस्ट, अब मैं टमाटर डाल रही हूँ, हल्का सा पानी डाल के ना अब मैं इसके ऊपर ढकना रखने के लिए ताकि गोश्त बन जाए। अरबी चूँकि लेस वाली होती है, इसमें ये मैं काफ़ी देर तक भूनती जलाऊंगी घी में, जब तक इसकी वो लेस ख़त्म नहीं होगी मैं उसमें शोरबा नहीं करूँगी। ये देखिए, मैं काफ़ी कम से कम 10-15 मिनट, मैं इसको 10 मिनट तक भूनूंगी क्योंकि ये लेसदार सब्जी है। ये देखिए, जब तक इसकी लेस ख़त्म नहीं होगी, घी लैदा नहीं होगा, तब तक मैं इसमें शोरबा नहीं करूंगी। ये देखिए, मैंने भून के अब इसकी बिल्कुल लेस खत्म हो चुकी है। ये देखिए, ये छोड़ दिया है, और मेरा वो जो टक लगाए थे ना, उसका मकसद यही था कि इन अरबियों में मसाला चला जाए। ये देखिए, अब इसमें नमक मिर्च सब कुछ जा चुका है, अब ये फीकी नहीं रहेगी, मज़ेदार होगी। अरबी गोश्त का सबसे ज़्यादा ना पाए की तरह इनका शोरबा बड़ा टेस्टी होता है। अब मैं इसमें पानी डालने लगी, अब इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया अरबी गलने के लिए, और शोरबा भी रह गया। अब मैं इसको 15 मिनट तक पकने दूंगी दम की आग पर। ये देखें, तकरीबन 15 मिनट बाद, 15 मिनट बाद मैंने इसको खोला है, और ये देखें, अब हमारा सालन बिल्कुल पककर तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अब रेडी हो गया।
अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमने इसको डिश आउट कर लिया है, हमारा अरबी गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको आप धनिये के साथ, पुदीने के साथ गार्निश भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल डिश हमारी रेडी हो गई है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। हमेशा की तरह जाने से पहले इसको लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाजत दीजिए, थैंक यू।